नमस्ते प्रणाम। सबसे पहले तो इन चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को दिवाली और छठ की बहुत सारी बधाई। और आज मेरे शहर होम टाउन हम कह सकते हैं देवरिया, मतलब मैं आज 25 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री में, पहली बार कोई फिल्म का मैं मुहूर्त में आया हूँ, क्योंकि अब तक मुहूर्त सारा जो है हमने मुंबई या फिर और लोकेशनों पर किया है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मेरे होम टाउन में भी मतलब मुहूर्त हुआ है और एक फिल्म प्लान हुआ है और शूट होने जा रहा है। और इसके डायरेक्टर हैं हमारे देवरिया के बड़े मशहूर व्यक्ति वाले जावेद जी, लेकिन अभी उन्होंने टाइटल रखा है जावेद देवरिया वाले, तो एक खूब लगा हुआ उनके नाम का। पहली फिल्म करने जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा उनके साथ काम करके, क्योंकि 25 में हमारे जब हम करियर हुआ थे तब से हम लोग 25 हैं। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं राजेश शुक्ला जी, और हम हीरो हैं हमारे मित्र, मतलब बहुत पुराने मित्र अविनाश साहे जी, इनके साथ मैंने 3-4 फिल्में किया है। और पूजा मिश्रा जो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, तो ले लेकर के मैं कहूँगा कि पूरी टीम बड़ी अच्छी है। और जब शूट होगी फिल्म, जब आप लोगों बीच में आएगी तो आप लोगों को भी मजा आएगा। बस किरदार के बारे में अभी अविनाश जी से नहीं मालूम पड़ा, इसमें मैं हीरोइन के फादर का रोल कर रहा हूँ जो पंजाबी है। और पंजाबी कैरेक्टर तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। पहले पंजाबी मैंने हार्ड हिटिंग कोर्स किया था, ये पंजाबी जो है थोड़ा सा कॉमिक लिए हुए कॉमेडी टाइप का है। एक लड़की का बाप हूँ और वो नहीं चाहता है कि उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जाए, उसी पे ताना बुना पूरी कहानी है और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म हम कह सकते हैं भागम भाग के तर्ज पे कहीं इधर उधर है, लेकिन ये है कि जितना भी स्टोरी मैं सुना हूँ मुझे मतलब सुनने में मजा आया, तो जब बन के आएगा तो नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। और जावेद जी हैं, उनकी टीम जो है पूरा मेहनत करेगा इस फिल्म को एक धरातल पे स्टोरी उसको तो उतारने में। पहले तो हमारे भोजपुरी श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ, आज उन्हीं लोगों की वजह से मैं इस मुकाम पे आया हूँ, तो आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा रहे मेरे ऊपर। अभी मैं देवरिया में आया हूँ, इसके पहले मेरी चल रही थी ग्रेट भैया जी, इसमें समर जी थे, केरल में किया हूँ, और उसके बाद जस्ट कल मेरा वहाँ पैकअप हुआ, फिर यहाँ से दूसरी फिल्म लगी है पिया पिया बोले जी। इसमें मेरा कैरेक्टर एक मतलब आज तक का सबसे अलग है, बिल्कुल ये जो विलन है बिल्कुल कॉमेडी टाइप का। और क्या है कि अब मैं कहानी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जब शूट होगा तो वो बीच में डालता रहता हूँ, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कहानी बता दूंगा तो सर बहुत चीजें नहीं रहेगी, मजा नहीं आएगा। भूमिका इसमें मेरा विलन का है, और वो विलन फुल्ली कॉमेडी टाइप का है, एक दूल्हे के गेटअप में हमेशा रहता है, और वो एक अलग ही कैरेक्टर है बहुत, मतलब मैंने सुना तो मैंने बोला सर मैं ये कैरेक्टर करूंगा, बहुत जबरदस्त अच्छा लगा। नहीं कॉमिक जैसे अभी मैंने एक फिल्म किया अनाड़ी अटोवाल, सॉरी वो क्या बोलते जुगाड़ी, जुगाड़ी में हीरो का बड़ा भाई बना, जिसमें हीरो को मैं मतलब घूर के देख भी नहीं सकता, उंगली तक नहीं उठा सकता। वो फिल्म मतलब मेरे लाइफ की ऐसी फिल्म है जिसमें मेरा एकदम देसी लुक है, गांव का बंडी वो लुंगी बहुत वो डिफरेंट कैरेक्टर, ये उससे अलग है। जावेद जी फिल्म पहली बार निर्देशित करने जा रहे हैं, आप फिल्म में काम कर रहे हैं, तो जावेद जी के साथ जब आप पहली बार ऑफर मिले क्या लगा आपको कि जावेद जी के साथ काम करना चाहिए? अच्छा लगा, जावेद जी से मैं पहले मिला था और गोरखपुर में, उन्होंने रवि किशन जी का वो क्राइम अलर्ट, सावधान इंडिया, ये सारे सीरियल भी किए हैं सर ने, फिल्में बहुत सारी की हैं इनके साथ। जब सुना मैंने पूछा डायरेक्टर जी कौन है, तो उन्होंने बताया जावेद जी, तो जावेद जी सुनकर मुझे अच्छा लगा, फिर ये अच्छे डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करके मजा आएगा, तो मैंने फिर इनकी फिल्म साइन किया और आज यहाँ देवरिया पहुँच गया, कल से मेरा फिल्म चालू है यहाँ पे। लगभग यहाँ अभी मैं 2 महीने के अंदर समझ लीजिए 14-15 फिल्म किया, बड़ी कास्ट के साथ और बड़ी बड़ी फिल्में, और एक फिल्म मैंने और किया था, मतलब सब मेरी हो गई होंगी 40-45 के ऊपर हो गई होंगी, और जो इस समय हो रही है लगातार चलता जा रहा है। और इस फिल्म के तो प्रोड्यूसर हमारे राजेश शुक्ला जी,
बाकी हमने एक फिल्म किया था खूबसूरत से खुद, वो फिल्म बिल्कुल साउथ पैटर्न की है, बिल्कुल मेरा साउथ का गेटअप है, बहुत जबरदस्त है। उसमें प्रदीप भैया भी हैं जो इन्होंने इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया है, गिरफ्तार करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सुपर फिल्म है, अच्छी फिल्म है वो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के। फिल्म को मेरी सारी फिल्में आप लोग देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सर सबसे पहले सारी मीडिया को इस समित कश्यप का प्रणाम, और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज एक फिल्म पिया पिया बोले जिया, जो कि हमारे मित्र अविनाश शाही जी इसमें हीरो हैं, और एक बहुत ही अच्छी मित्र जो कई गाना फिल्म हमारे साथ कर चुकी हैं ज्योति मिश्रा जी, वो इसमें अभिनेत्री हैं। और इस फिल्म में मैं बतौर कोरियोग्राफर, जैसा कि सर ने बताया, बतौर कोरियोग्राफर में जुड़ा हुआ हूँ। इस फिल्म में जो गीत हैं वो मेरे निर्देशन में फिल्माए जाएंगे। जावेद अहमद जी पहली बार डायरेक्शन करने जा रहे हैं आप फिल्म को, और सभी हम जानते ही हैं कि इसके पहले भी हालांकि फिल्मों के काम रहा है, बहुत सारी फिल्में उन्होंने, कई सारे भूमिकाओं में इन्होंने बनाया, लेकिन इस बार निर्देशन कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है उनके साथ पहली बार काम करके करने जा रहे हैं, तो कैसा भाव लग रहा है? जी जावेद जी से मेरा बहुत पहले का भी रिलेशन है और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं वो, और मुझे आशा है कि उनके डायरेक्शन में जो वर्क होगा वो काफी पॉइंटेबल होगा, और जो फिल्म बन रही है सभी दर्शकों को पसंद आएगी और रोमांचक लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक कैरेक्टर मजे मस्ती जब डायरेक्शन में आता है तो उसका निखार कुछ और होता है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा फिल्म में। फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहें? अजी फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बतौर कोरियोग्राफर मैं इसमें एक्टिवेट हूँ। और इस फिल्म में यह है कि जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे राजेश जी, वो काफी अच्छे मित्र हैं, उन्होंने काफी एक्साइटमेंट दिखाया अपना इसमें, और गोरखपुरा के मुझसे मिले और इस फिल्म को लेके काफी लेके सीरियस हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ अच्छा करेंगे। अभी जो गाने आप कोरियोग्राफ करेंगे इस फिल्म में, जी किन किन सिंगरों ने गाया है? अभी इसकी नॉलेज सर मुझे नहीं दी गई है, क्योंकि सॉन्ग अभी मेरे पास नहीं आया है। आज फिल्म का पहला दिन है, मुहूर्त है, और उसके बाद के जो प्रोड्यूसर होंगे वो मुझे दिए जाएंगे। जी फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम से करना चाहूँगा, और दिवाली की सबको बधाई दूंगा, और छठ के लिए पहले से नहीं बोल रहा हूँ। मैं लिखता भी हूँ, एक राइटर भी हूँ प्रोड्यूसर के साथ साथ, तो मेरी हमेशा एक यही सोच रही है कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो कि मतलब कुछ और फिल्मों से हट के हो। तो मैंने अभी इससे पीछे अभी जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है जन्म जन्म एक अद्भुत प्रेम कहानी जी, उसकी स्टोरी कुछ अलग हटके है, फिर मैंने इसको मैंने राइट किया कि आप यह बोले भैया। तो इस फिल्म को जो है हमारे डायरेक्टर साहब जो है जावेद जी देवरिया वाले, पहली बात तो डायरेक्शन के लिए तैयारी नहीं हो रही थी, बोले मैं ऐसा छोटा होता फिल्म नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने कहा सर बात फिल्म छोटे से नहीं होती है, स्टोरी एक बार देखिए। कम से कम एक महीने तक मैंने उनको परेशान किया, फोन पे टॉर्चर, मिलना जुलना, सर पढ़ लीजिए तो टाइम निकाल के पढ़े। और बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो आज मेरे फिल्म को दायर करने के लिए तैयार हो गए। और हम उसे देखिए आप पश्चिम चंपारण बिहार करने वाला छोड़ी बजा जावेद जी को आप ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो क्या मन में आया आपके क्या ख्याल आया कि कैसे? देखिए सर, अच्छी तरह बनाएंगे। देखिए सर, ये चीज नहीं होती है, जो टैलेंट होता है ना इंसान के अंदर वो एक मिनट के अंदर पकड़ लेता है। कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे जावेद जी और हम बैठे, तो एक सीन था तो उसका क्रिएशन में बता सके तो सीधा उन्होंने ऐसा पलटी मारा उसको कि मैंने कहा कि पिक्चर आपके अलावा कोई बना ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने हाथ पर जोड़ कर उनको मनाया, मैंने कहा सर आप इसको कर दीजिए। तो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, मैंने कहा ठीक है मैं आपका फिल्म करता हूँ। तो यही चीज है, उनके बहुत आभारी हूँ मैं, और बहुत कुछ उन्होंने मेरे लिए किया देवरिया में। कि ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये फिल्म क्या है? इस फिल्म में देखिए एक तो दो परिवार की कहानी है, दो परिवार की कहानी है, और कुछ इसमें सोशल वर्क भी है जो कि हम उसको नहीं बताना चाहेंगे, है ना, क्योंकि वो एक समाज के लिए एक संदेश होगा, और संदेश के मामले में इसमें कई संदेश मैंने छोड़ा है स्टोरी में, जो कि पब्लिक से या फिर
जन पे काफी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे रोमांटिक फिल्म लग रही है। रोमांटिक फिल्म है जी, होगी बिल्कुल। अभद्र शब्द इसमें कहीं प्रयोग नहीं है, कोई राजनीतिक इसमें नहीं है, कोई गंदगी नहीं हमारे फिल्म में। मेरी कोई भी स्क्रिप्ट अभी तक जो भी फिल्में बनाई है एकदम साफ सुथरी है और आगे भी बनाओ, मेरा ये उद्देश्य। इसके साथ ही इसके बाद और भी कोई फिल्में, इसके बाद अभी तो पहले इसको पूरा करें फिर सिलसिला चलता रहेगा। अपने सभी जनता मेरा नमस्कार स्वीकार हूँ और मैं आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं निर्देशन में कैसे आया। मैं निर्देशन में तो बहुत पहले आना चाहता था, लेकिन मेरी सोच एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छी फिल्म मेकिंग करने की सोच थी। तो मैं आज तक लोग राइटिंग करते थे, लोग कहानी ला कर देते थे, तो मुझे पसंद नहीं आती थी कोई बात। ये हमारे दोस्त हैं राजेश शुक्ला जी, तो उन्होंने टाइटल का खूबसूरत नाम मेरा पिया पिया बोले दिया। तो जब मैं टाइटल सुना तो उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया, तो स्क्रिप्ट सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने आज तक भोजपुरी फिल्म में मेकिंग भी किया, बनाया भी, फिल्म मेकर से मैं सहमत भी हूँ। मैं हिंदी मेरी कम से कम 4 फिल्में हैं, भोजपुरी तो गिनती नहीं है। किसी फिल्म में फाइनल एक्टिविटी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर नहीं तो एक्टिंग ड्राइव स्पॉट ये सब मैं करता आया। अनुभव की कमी मेरे पास नहीं है, अनुभव मेरे पास बहुत है और इसीलिए मैंने जब स्क्रिप्ट देखा कि स्क्रीन की स्क्रिप्ट अच्छी है तो मुझे खुशी हुई। और उस सबसे पहले बड़ी बात है कि मैं निर्देशन करना चाह नहीं रहा था, चूंकि फिर उसके बाद ही हमारे और इन्होंने एक महीने से लगातार स्क्रिप्ट भी देखा, इन्होंने सब कुछ देखा। मैंने कहा कि मैं मतलब कोई चीज छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन मैं चाह रहा था थोड़ा सा और बड़े स्तर से आना, लेकिन इनका प्यार और इनकी मोहब्बत को देखते हुए मैंने इस फिल्म में निर्देशन करने के लिए हाँ कर दिया। और मैंने टोटल यही प्रण किया कि मैं इस पिक्चर को देवरिया जिले में ही बनाऊंगा और अपने लोगों के बीच में बनाऊंगा, जिसमें हमारे निर्माता राजेश शुक्ला जी हैं, गाना विनय बिहारी जी ने दिया है, राजेश मिश्रा जी ने दिया है, पवन शर्मा जी ने दिया है, डीओपी हमारे प्रदीप शर्मा है और ये राइटर पवन शर्मा है। तो निर्देशन मैं कर ही रहा हूँ और दूसरी बात गाने बहुत अच्छे बने हुए हैं जिसमें राजेश राहत जी म्यूजिक दे रहे हैं। तो सब ये देखिए एक अच्छा परिवार मैंने तैयार किया है जो आप लोग के सामने ये मेरा परिवार दिखाई देगा। अब मेरी कोशिश ये है कि इस परिवार को समेट के और इसे ऐसा लेके चलूं कि एक धागे में मैं पिरो दूं और मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा निर्देशन करूं, एक अच्छी फिल्म बनाऊं मैं। बस इसी के साथ नमस्कार। पहले तो आप सभी लोगों को सत्य प्रकाश सिंह का नमस्कार और जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं उनको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें कवर किया। पिया पिया बोले जिया हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं और हम लोगों ने काफी फिल्में साथ में किया है एज ए आर्टिस्ट, एज ए को प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर, मैं आर्टिस्ट। तो काफी मतलब दिन से हमारी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं एक फिल्म करना है आपको हमारे साथ, तो हमने कहा कि आपके तो घर के हमने जब चाहे तब करा लें और पुराने साथी रहे हैं, पुराने अनुभवों के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ही प्यारा लगा और देवरिया में मैं आया हूँ यहाँ पे इस मुहूर्त में और मुझे बहुत ही अच्छे मैंने माहौल का अंदाजा हुआ यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जावेद जी पहली बार डायरेक्शन कर रहे हैं और दिल खोल के मैं इनके साथ हूँ, जैसे चाहे जिस किरदार में हमको निपटाना चाहे निपटा दें, चाहे कर दें जैसे चाहे। अब डायरेक्टर साहब ही बता देंगे मेरे भूमिका के बारे में। मैं सस्पेंस नहीं है, मैंने इनसे स्पष्ट कहा था मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं डायरेक्टर का आर्टिस्ट हूँ, बाकी भोजपुरी आर्टिस्टों की तरह नहीं कि उंगली करके काम करूँ, नहीं। मैं डायरेक्टर जो बोल देगा मेरे लिए वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि वही डायरेक्टर का जो आर्टिस्ट है वही असली असली आर्टिस्ट है, बाकी तो सब चल रहा है आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जावेद जी। पहले तो सारे सबको नमस्कार मेरे तरफ से प्रणाम और मैं यहाँ पे पिया पिया बोले जिया यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, जावेद सर ने मुझे बुलाया करने बुलाया और मुझे यहाँ करके बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में मैं भाभी का कैरेक्टर कर रही हूँ और बाकी आगे फिल्म आएगी तो आप लोग देखिए प्यार रखते हो और अपना भरा आशीर्वाद प्यार दोनों साथ में दीजिए। क्या भूमिका है आपकी भाभी की? भाभी की भूमिका कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने सुने लिए। अब सब दर्शकों फिल्म में काम करने जा रही है, कैसा लग रहा है?
पहले से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मुझे स्कूल में काम करने बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। और ये एक पारिवारिक फिल्म है, कॉमेडी है, यहाँ सब कुछ है इस फिल्म में। बेटा जी इसमें कौन सी भूमिका कर रहे हैं? मैं माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ। कितने दिन की शूटिंग हुई आज? 17-18 दिन की है, मेरा 5 दिन का था। बहुत अच्छी बात है, आप बड़ा मुझसे है और बगल में ही आप काम हो रहा है, पूरी सिनेमा का विकास हो रहा है, इसके गाने सारे कलाकारों को काम मिल रहा है, तो बीच में डबिंग भी था आपका और उससे आप मिलकर कर रही हैं, तो बस सभी दर्शकों का आशीर्वाद और साथ चाहिए। थैंक यू बहुत बहुत। सेट पे आप आई हैं ज्योति जी, क्या अनुभव, क्या आपका लग रहा है? एक्चुअली देखिए, पहले नंबर तो सभी लोग को ज्योति मिश्रा का प्रणाम, और आज हमारी फिल्म का मुहूर्त हुआ है, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राजेश सर, उनका एक फिल्म और मैं कर चुकी हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और इस फिल्म का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, और आई होप ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी आप लोग के कैमरे के पास। आपको सबसे पहले जब निर्देशक आपके पास फोन गया तो कैसा लगा आपको कि देवरिया में अपने शहर में करने जा रही हैं आप बगल के? जी हाँ, जावेद सर का फोन आया था और राजेश सर का ही फोन आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इस फिल्म के लिए लाइनअप किया गया, इस फिल्म के लाइव मुझे समझाया गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अविनाश जी ने भी मुझे और सपोर्ट किया है। कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? अगर अभी बता देंगे तो फिर सरप्राइज देंगे क्या? तो अभी शूट नहीं हो रही है, तो बस फिल्म के बारे में ये कहूँगी कि फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत अलग हटके है, यूनिक है, और आएगी फिल्म तो आप लोग खुद देखेंगे, खुद पसंद करेंगे। टाइटल से पता चल जाएगा। टाइटल या बोले जी, या लड़की को क्या चाहिए, पिया पिया बोले जी। सारी फिल्म की पूरी शूटिंग यही देवरिया में ही होगी? देवरिया में भी होगी, कुछ बाहर करेंगे। कितने दिन की है ये शेड्यूल? थैंक यू। सबसे पहले भोजपुरी परिवार के हैप्पी दीपावली, छठ पूजा के प्रणाम। आप लोग अच्छे से दीपावली इंजॉय कर लो, छठ पूजा एंजॉय करिए। दीपावली के दिन बाद हमारे फिल्म पिया पिया बोले जी का निश्चित मुहूर्त में फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे राजेश शुक्ला जी, जिनके साथ अभी मैं जस्ट फिल्म किया हूँ, और वो फिल्म जन्म जन्म वो अभी एडिटिंग में है, उसके डायरेक्टर हैं हमारे जावेद भैया, देवरिया से। जावेद भैया एक बहुत ही अच्छे लेडी इंसान है, और इनके साथ मैंने फिल्म भी किया है, ऐसे कलाकार, और पहली बार इस फिल्म के डायरेक्शन करने जा रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है ये, और बड़ा मजा आएगा। आज मुहूर्त हो रही है, फिल्म की हो चुकी है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और तो भैया ने बोला कि हम इस फिल्म के डायरेक्शन करने जा रहे हैं, अच्छे एक अच्छा कलाकार उस फिल्म को डायरेक्ट करेगा तो पोजिशन क्या होगी, तो मैं एक कलाकार में समझता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे जितने भी तमाम फिल्मी लोग हैं यहाँ पे, जो हमारे भोजपुरी के सारे कलाकार सब, कृष्णा भाई हैं, मुस्लिम जी हैं, ज्योति मिश्रा जी हैं, गीता जी हैं, सारे लोग मौजूद हैं, बालेश्वर भाई हैं, तो तमाम हमारे डीओपी लाडला भोजपुरी के सत्यप्रकाश जी हैं, सत्यप्रकाश भैया, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आप लोगों से अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फिल्म अच्छे से कम्प्लीट हो, और एक बेहतरीन फिल्म आप लोगों को फिर देखने को मिले। पिया पिया बोले।